आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग जानते भी होंगे कि जो दो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति साहब थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्म दिवस को आप लोग शिक्षक के दिवस में मनाते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि ये दूसरे राष्ट्रपति भी बने आगे चल के, और आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, और इसीलिए हम लोग इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिए, किसी से भी आप लोग कुछ भी सीखते हैं तो एक तरह से आप उसे ही तो अपना गुरु मान लेते हैं, आपके लिए वही तो गुरु हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाता था वही गुरु है, आपके लिए देश में कोई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, किसी से भी आप लोग सीख ले रहे हैं या कोई आपको शिक्षा दे रहा है तो आपके लिए वही गुरु है, उसका सम्मान करना मुझे लगता है कि आपका कर्तव्य है। और आजकल देखिए आप लोग शिक्षा का बिल्कुल किस तरह से, आपने देखा है कि कुछ इनका एक उद्देश्य था कि शिक्षक वो नहीं कि एक तरह से किताबी ज्ञान दे दे, शिक्षक वो होता है जो सही का रास्ता दिखा सके, सही गलत के बारे में बता सके। तो इन्हें आप देख भी सकते हैं, आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि देश की आजादी में आप देखेंगे इनका योगदान भी रहा है। शिक्षक वही नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। यह किसने कहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और आपको बता दूं कि इस तरह के टॉपिक रहते हैं तो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं, और वैसे भी आप देश में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और शिक्षा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, शिक्षा का किस तरह से महत्वपूर्ण है आप सभी जानते होंगे। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया खर्च, निवेश कभी बेकार नहीं जाता है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो बेकार है, वो कहीं ना कहीं उपयोगी जरूर साबित होगा। और इस तरह के देखिए, जब भी वक्तव्य होते हैं, आप लोग निबंध लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, वहां आप लोग इनका उपयोग कर सकते हैं, आपका आंसर या निबंध प्रभावकारी हो जाएगा। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के समाज को तराशते हैं। शिक्षक का कार्य मात्र किताबी ज्ञान प्रदान करना ही नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को अवगत कराना भी होता है। शिक्षकों को इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर प्रयास भी किए, वह स्वयं भी एक आदर्श शिक्षक थे। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी कि 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। और आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके पहले राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल आप देखेंगे तो 13 मई 1962 से राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1967 तक रहा। इनका नाम भारत के महान राष्ट्रपतियों की प्रथम पंक्ति में सम्मिलित है और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए संपूर्ण राष्ट्र इनका सदैव ऋणी रहेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में काम भी किया हुआ था। और आप सोचिए, देश का एक शिक्षक आगे चल के क्या बनता है? राष्ट्रपति बनता है, सर्वोच्च पद पर बैठता है। अगर हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें, किनके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में होता है, जो मद्रास अब चेन्नई से लगभग आप देखेंगे 64 किलोमीटर दूर स्थित है। और 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है, यानी कि अंग्रेजों के समय में आप देखेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि 1888 में अंग्रेजों का शासनकाल था हमारे ऊपर। वह एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उनके पिता सर्वपल्ली बी रामास्वामी और माता श्रीमती सीतम्मा थी, और रामास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और तिरुतानी कस्बे के जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के रूम में काम करते थे। कौन इनके पिताजी? डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पिता की दूसरी संतान थी।
और उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों की कम उम्र में ही विवाह हो जाता था, और ब्राह्मणों में नहीं हर जाति में आप देखते थे लगभग उस समय बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। ये भी आप लोग सुनते होंगे, कई तो लोग कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता था तभी कई बच्चों की शादी तय की कर दी जाती है। अब आपके दिमाग में कैसे आ रहा होगा कि लड़की होगा लड़का, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आपको बता दूं कि दो लोग एक तरह से कॉन्टेक्ट कर लेते थे, यानी कि आप समझिए कि अगर आपके यहाँ लड़की हुई और इनके यहाँ लड़का हुआ तो इस तरह से शादी तय हो जाती थी। इस तरह के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मामले। और आप देखिए कि आजादी के समय तक अभी भी आप देखिए बाल विवाह होते रहते हैं, 13-14 साल में, 10 साल में, कई उम्र सुनते हैं आप लोग, और इसमें आपको लड़कियां ज्यादा देखने को मिलेगी, इनकी शादी जल्दी ही लोग कर देते हैं कई। वैसे आप देखेंगे अगर कानून के हिसाब से तो 18 साल रखी गई लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए। उस समय मद्रास के ब्राह्मण ये देख सकते हैं, और राधा कृष्ण भी उनके उसके उपवाद नहीं रहे। 1903 में 16 साल के थे, उनके विवाह दूर के रिश्ते की बहन सीवा कामू के साथ संपन्न हो गया, जिनसे उन्हें 5 बेटी और 1 बेटा इनका हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं, इनके 5 तो बेटी थी और 1 बेटा था। 16 साल की इनकी एज में इनकी शादी कर दी जाती है। अब शिक्षा की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बाल्यकाल यानी कि शुरुआती शिक्षा तिरोतनी में व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरोतनी में ही गुजारे, और राधाकृष्णन की आरंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से लेकर 1900 के मध्य होती है। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से लेकर 1904 तक शिक्षा वेल्लूर में होती है इनकी। इसके बाद इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की हुई, और बचपन से ही मेधावी थे। इस दौरान उन्होंने वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद का भी अध्ययन किया। इन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, और इसके बाद 1904 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने ली। इन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली, और इसके अलावा आप देखेंगे क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में इन्हें छात्रवृत्ति भी दी, और उन्होंने दर्शन शास्त्र में MA किया, और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए गए, यानी कि शिक्षक के रूप में काम शुरू किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारत दर्शन शास्त्र से परिचित कराया, और सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई है। तो देश की संस्कृति शास्त्र के बारे में दुनिया भर को जानकारी इन्होंने भी उपलब्ध कराई, समझ रहे। अगर हम इनके जीवन दर्शन के बारे में बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। सदुपयोग, आपने देखा होगा कल आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की हुई है कि इंटरनेट का दुरुपयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सदुपयोग और दुरुपयोग में अंतर आपको समझ में आता होगा। अब आप सोच लीजिए, आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, आपके हाथ में। और शिक्षा से आप देखिए कि आपको मालूम चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, तो आप फिर मालूम चलेगा कि आप इसका, आपके पास जो दिमाग है, एक दो आंखें हैं, कान दिए हुए भगवान ने, इनका आप किस तरह से उपयोग करते हैं, सही रास्ते के लिए या गलत के लिए। और विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। और ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति है। जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से पूर्ण व्याख्याओं, आनंददायक अभिव्यक्ति और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषयों को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। तो यही तो एक शिक्षक की क्वालिटी होती है। अब बात करते हैं उपनिवेशिक भारत में डॉक्टर राधाकृष्णन का क्या हाल रहा है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की महात्मा गांधी से प्रथम भेंट 1915 में होती है,
और आप देखते हैं कि 1915 में ही तो भारत आए थे गांधी जी, और उनके विचारों से प्रभावित होकर राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में लेख भी लिखे। वह कभी भी किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े, लेकिन निर्भर होकर राष्ट्र प्रेम की अभी को अभिव्यक्त करते थे। बाद में इन्होंने गांधी जी की अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि मनुष्य के सर्वोत्तम प्रयासों में गांधी जी की आवाज सदैव अनुसर रहेगी और संसार के सभी मानव में श्रेष्ठतम भी होगी। यहाँ पर आवाज का आशय गांधी जी की समग्र सोच से किया गया था। और यद्यपि राष्ट्र राधा कृष्ण बैठे सरकार की नौकरी कर रहे थे, तदापि देश की स्वतंत्रता के लिए वह ख्वाहिशमंद थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अंग्रेजों से यह आशा रखी थी कि वह देश को स्वतंत्र कर देंगे। वह अंग्रेजों से यह आश्वासन भी चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वे भारत को गुलामी से मुक्ति कर देंगे। आप देखते हैं कि 1947 तक हम लोग उनके गुलाम रहते हैं, और आप देखिए कि उस समय कोई आज के जैसा नहीं था। अगर कोई लड़ नहीं सकता था तो वो घर बैठ के भी कुछ लिखता था, कुछ बोलता था, समझ रहे हैं? तो सबका योगदान लगभग आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इतिहास तो आपकी बात अलग है, लेकिन अगर आप लोगों ने हकीकत में इतिहास पढ़ा हुआ तो आप किसी के योगदान को नकार नहीं सकते हैं। फिर चाहे आपके भीमराव अंबेडकर साहब हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, गांधी हों, सरदार पटेल साहब हों, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु हों, विवेकानंद हों, समझ रहे हैं? सबका योगदान लगभग आप देख सकते हैं कि है आज़ादी में। अब अगर हम लोग इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिभा के फलस्वरूप ही स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया, जिसने आपका संविधान बनाया था। 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे, और इस समय यह विश्वविद्यालय के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाए। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन की सभा भाषण और वक्तव्य प्रतिभा का उपयोग 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि को किया जाए, जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वह अपना संबोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें, उसके पश्चात संविधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। अब अगर हम लोग इनके राजनयिक कामों की कार्य की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आग्रह किया गया, यानी कि 1947 के बाद वह मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें, जैसे आप लोग आज रूस कहते हैं ना, पहले उसे सोवियत संघ कहते थे, उसमें कुछ और भी देश आपके शामिल थे। और इस प्रकार विजय लक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। मास्को में नियुक्त भारतीय राजनयिक में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेहतरीन थे। वह एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे, जो मंत्रणाएं देर रात्रि होती थी वह उनमें रात्रि 10 बजे तक ही भाग लेते थे, क्योंकि उनके बाद उनके शयन या सोने का समय था। जब राधाकृष्णन एक शिक्षक थे तब वह नियमों के दायरों में नहीं बंधे थे। कक्षा में 20 मिनट देरी से आते थे और 10 मिनट पूर्व ही चले जाते थे। इनका कहना था कि कक्षाओं में इन्हें जो व्याख्यान देना होता है वह 20 मिनट के पर्याप्त समय में संपन्न हो जाता है। उसके उपरांत भी यह विद्यार्थियों के लिए प्रिय और आदरणीय शिक्षक बने। यानी कि एक शिक्षक ऐसा देखिए जो 10 मिनट 20 मिनट लेट आता है और 10 मिनट पहले चला जाता है। तो आज का शिक्षक से आप तुलना मत करिएगा, आप देखिए कि वो जितना मतलब आज 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में काम शिक्षक करते थे वो 30 मिनट में करके चले जाते थे। अगर हम लोग सोवियत संघ से विदा की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्टालिन से भेंट करने का दुर्लभ अवसर 2 बार प्राप्त हुआ। एक 14 जनवरी 1945 के दिन वह पहला अवसर था जब स्टालिन के निमंत्रण पर वह उनसे मिले, और स्टालिन के हृदय में फिलासफर राजदूत के प्रति गहरा सम्मान था। इनकी दूसरी मुलाकात आप देखते हैं 5 अप्रैल 1952 को होती है, जब भारतीय राजदूत सोवियत संघ से विदा होने वाले थे। विदा होते समय राधाकृष्णन ने स्टालिन के सिर और पीठ पर हाथ रखा था। तब स्टालिन ने कहा था कि तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे साथ एक इंसान के रूप में व्यवहार किया, मुझे अमानव अथवा दैत्य नहीं समझा। तुम्हारे जाने से मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दीर्घ आयु हो, और मैं ज्यादा नहीं जीना चाहता हूँ। इस समय स्टालिन की आंखों में नमी थी। फिर 6 माह बाद ही स्टालिन की डेथ हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के रूप में, अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो 1952 में आप देखेंगे कि सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं या बनते हैं। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था,
नेहरू जी ने इस पद का हेतु राधा कृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिक का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधा कृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। और आप सभी जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने सभी राजनीतिकों को प्रभावित किया और संसद के सभी सदस्यों ने उनके कार्य व्यवहार के लिए काफी सराहा और इसके सदस्यता दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। सितंबर 1952 में इन्हें यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों की यात्रा की ताकि नए राष्ट्र हेतु मित्र राष्ट्रों का सहयोग मिल सके, अच्छे संबंध बना सके। एक बात और आपको बताता हूँ, क्या आज आप लोग किसी से उम्मीद कर सकते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से, कि उसके पास बहुमत हो और वो किसी गैर राजनीतिक नेता को, यानी कि गैर राजनीतिक व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बना दे या उपराष्ट्रपति बना दे या अपने मंत्रिमंडल में कोई मंत्री का पद दे दें? आपको नहीं, मुझे नहीं लगता है कि संभव है। आप समझिए उस समय हुआ है। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कमतर थे या बहुत बुरे थे या किस तरह के थे? आपको बता दूं कि 1947 में जब मंत्रिमंडल का गठन होता है नेहरू की, तो उसमें आप देखेंगे भीमराव अंबेडकर को शामिल किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को शामिल किया जाता है। आप देखेंगे कि इनके इन तीनों के बीच, पंडित जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल, कई विचारों को लेकर मतभेद थे, लेकिन नेहरू की मंत्रिमंडल में फिर भी इनको शामिल किया जाता है क्योंकि इनकी जरूरत थी उस समय। क्योंकि आप समझिए कि कानून के क्षेत्र में अगर कोई महारत हासिल किए हुए था तो वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। अगर देश को एक करना था तो आप सोचिए कि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत थी, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता था, तो वो एकता अलग थी। आज की देखिए आप लोग, आज आप देखिए राजनीतिक दुश्मन नहीं है, एक दुश्मनी हकीकत में बदल देते हैं आज के नेता। और इसीलिए कहता हूं कि आज के नेताओं की तुलना आजादी के समय के नेताओं से कभी नहीं की जा सकती है। आप देखिए कि आजादी के समय कितनी सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई थी। सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न की थी, लेकिन आप देखिए कि हमारे नेताओं ने किस तरह से उन समस्याओं को समाधान भी निकाला। आप सभी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ते होंगे, उन्होंने कितना अच्छा अच्छा काम किया। कहते हैं कि उनकी जब वो शपथ लेने जा रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनकी पत्नी ने कहा कि फटी धोती पहने हुए थे कि एक अब कम से कम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एक फटी धोती मतलब एक नई धोती तो पहन लीजिए, खरीद लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा देश का किसान फटीचर हालत में है, हम कैसे पहन लें। एक और उनकी कहानी है, कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके बच्चों ने जिद की कि एक गाड़ी ले लीजिए, फोर व्हीलर। तो उन्होंने एक मतलब उधार आप कंपनी से एक तरह से रेट पर, या आप कह सकते हैं कुछ पैसे जमा करके नहीं ले लेते हैं, तो उन्होंने ली। वो जिंदा रहते हुए इस कार्य का पूरा भुगतान नहीं कर पाए। बाद में आप देखते हैं उनकी डेथ के बाद, यानी कि उनकी मौत के बाद, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, उनका कर्ज माफ करती हैं। इस देश ने ऐसे ऐसे नेता प्रधानमंत्री देखे हुए हैं। आज तो आप सरपंच बन जाते हैं, एक फॉर्चूनर खड़ी कर लेते हैं, आप एक महल बना लेते हैं, तो उसकी हालत आप देख सकते हैं कि आज हालत किस तरह से देश की बनी हुई है। उस समय आप देखिए कि एक एक रुपए का लेन देन और एक एक हर कोई अपना कर्तव्य निभाता था। आज केवल लूट और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके लिए हर कोई व्यक्ति जिम्मेदार, हम हो, आप हो, या कोई भी देश की जनता हो, क्योंकि हम जिस तरह से उन्हें चुनेंगे उस हिसाब से वो हमारा शोषण करेंगे। खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे लगता है कि अब कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि समझने और समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर हम लोग राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, तो आप सभी को बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, इनके बाद आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति का पद मिला। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद राधाकृष्णन ने भी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भांति स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रपति के वेतन से कटौती कराई। और आज आप देखिए आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये लड़ते रहते हैं अपनी वेतन को लेकर। इनको इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बाद भी ये मतलब खुश नहीं है। मुझे तो लगता है कि सभी वेतन इन्हें काट देना चाहिए। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप इतना, वैसे मुझे लगता है कि वेतन इनके लिए मायने नहीं रखता होगा,
इतना भ्रष्टाचार कर ही लेते हो। और उन्होंने घोषणा की कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना पूछे अनुमति के मिल सकता है, बिना अनुमति के। और आज आप देखिए कि आपको अगर अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना है तो बड़े हाथ जोड़ना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति से मिल सकता है। आज क्या संभव है कि प्रधानमंत्री से कोई भी व्यक्ति देश का मिल सके, आप सभी जानते हैं। और इस प्रकार राष्ट्रपति भवन को उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए खोल दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद वह ईरान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, रोमानिया और आयरलैंड भी गए। वह अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूम में भी पहुंचे थे। इससे पूर्व विश्व का कोई भी व्यक्ति व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं पहुंचा था। तो आप समझ सकते हैं कि इनका मत क्या रहा होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में राधा कृष्णन का कार्यकाल काफी कठिनाइयों से भरा रहा। इनके कार्यकाल में आप देखते हैं कि भारत चीन युद्ध हुआ 1962 के करीब, और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में। पर वहीं दो प्रधानमंत्रियों के पद पर रहते हुए, इनके पद पर रहते हुए दो प्रधानमंत्रियों की डेथ हुई थी इनके सामने। और 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया भारत पर, तो भारत की अपमानजनक पराजय हुई थी। तो इन्होंने बहुत समस्याओं से सामना किया है। चीन के साथ युद्ध में पराजित होने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पंडित नेहरू की भी आलोचना की थी। और बेशक वह पंडित नेहरू के काफी निकट थे, लेकिन उन्होंने आलोचना के स्थान पर आलोचना की और मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर मार्गदर्शन भी किया। यह राधाकृष्णन नहीं ही थे जिन्होंने पंडित नेहरू को मजबूर किया था कि वह लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान प्रदान करे। उस समय कामराज योजना के अंतर्गत शास्त्री जी बिना विभाग के मंत्री थे, और पंडित नेहरू के गंभीर रूप से बीमार रहने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय शास्त्री जी के परामर्श से ही चलता था। आज आप लोग देखिए कि एक दूसरे प्रधानमंत्री की आप लोग आलोचना कर दीजिए, किसी और नेता की आलोचना कर दीजिए, आपको वो दुश्मन की निगाह से देखने लगता है। और कहते हैं कि पंडित नेहरू की अटल बिहारी वाजपेयी खुद सुनाते हैं, आपने देखा होगा कई आपको स्पीच उनके मिल जाएंगे, इंटरव्यू मिल जाएंगे, कि वो आलोचना करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ही बाहर निकलते थे तो उनकी पीठ थपथपाते थे। और यही आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की कोई आलोचना करता था तो बड़े खुश होते थे। कई पत्रकार ऐसे सवाल पूछते थे कि मतलब आप सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी से, वो उनका हौसला और बढ़ाते थे। आज आप देखिए किस तरह से पहले ही स्क्रिप्ट लिख दी जाती है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछना है, हम इस तरह के आंसर देंगे। अगर इनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो राधा कृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम भी किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष भी रहे। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और पूरे विश्व के लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इनके योगदान की बात करें तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा, यानी कि नहीं भुलाया जा सकता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री, उपराष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति भी बने। आप समझिए इतने गुण होने के कारण आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखें, सम्मान कर रहे हैं उनका। और आज के नेताओं को देखिए, हम तो आने वाले समय में जब भी हमारी नई पीढ़ी आएगी वो आज के इतिहास को पढ़ रही होगी, वो किस तरह से इसका मूल्यांकन करता है समय के। मुझे नहीं लगता है कि सम्मान लायक कोई नेता इस समय मिलेगा उन्हें हमारी आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि वो बेहतर और अच्छे से मूल्यांकन कर पाएगा इस समय के इतिहास का, तो उस हिसाब से वो गाली देगा। आज हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग सिंधिया को और रानी लक्ष्मीबाई की तुलना करते हैं और हम लोग 1857 के आसपास का इतिहास पढ़ते हैं, तो आप देखिए भले ही 1857 में के आसपास सिंधिया घराने ने अपने आप को बचा लिया हो, अपने आप को राजा बना लिया हो, और भले ही आपकी रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई हो, उन्हें उस समय आतंकवादी कहा जा रहा था, देशद्रोही कहा जा रहा था, लेकिन आज हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, आज हम उन्हें रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान दे रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। देश उन पर आप देखते हैं कि एक तरह से हर तरह से गर्व करता है। और दूसरी तरफ आप देखिए सिंधिया घराने को, आप इतिहास की कोई भी स्पेशल बुक्स पढ़ाई उठाइए तो आप देखते हैं उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ कि सिंधिया गद्दार था। तो आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आगे चल के क्या स्थिति रहेगी। और इन सरकारों के कहने से आप आतंकवादी नहीं हो जाते, आप देशद्रोही नहीं हो जाते, क्योंकि आपको और ये घटना बता देता हूं,
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप सभी जानते हैं कि उन्हें उस समय देशद्रोही कहा जा रहा था, आतंकवादी कहा जा रहा था। उन पर कितनी एक तरह से पिताड़ना की गई, उनकी क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें। आज हम देखिए उन्हें क्या मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं। तो ये हकीकत है, सच हो सकता है कि शुरुआत में वो दब जाए, उसे कुचल दिया जाए, लेकिन अंत में आप देखेंगे उसी की जीत होती है, उसी को हम याद रखते हैं। आप खुद देख लीजिए कि हो सकता है कि मान लीजिए कोई 200 साल जी जाए, आपकी उम्र में 200 साल है, कोई आप देखिए 26 साल जी जाए, तो आप देखेंगे कि 26 साल बाद के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि लोग उसका सम्मान करेंगे, उसे याद रखेंगे इतिहास में। और 200 साल जीने वाले को हो सकता है कि उसका इतिहास में कोई नाम ही ना रहे, उसे उसके परिवार वाले ही याद ना रखें, आने वाली उसकी पीढ़ी ही उसे भूल जाए। तो ये सब देखने को मिलेगा। बातें बहुत हो रही हैं, क्योंकि बातें होनी चाहिए इस पर। अपने जीवन में उन्होंने अनेक पद भी संभाले, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उनका कहना था कि यदि शिक्षा सही प्रकार से दी जाए तो समाज में से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अनेक, उनके कार्यकाल में ही पंडित नेहरू और शास्त्री जी के प्रधानमंत्री पद पर रहती हुई डेथ हुई थी इन दोनों, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी की। लेकिन दोनों बार नए प्रधानमंत्री का चयन सुगमतापूर्ण पूर्वक किया गया, जबकि दोनों बार उत्तराधिकारी घोषित नहीं था और ना ही संविधानिक व्यवस्था में कोई निर्देश था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नव स्वतंत्र भारत की स्थिति से उभारने में अप्रत्यक्ष रूप से अत्यंत अहम भूमिका निभाई हुई है। आज तो आप देखिए कि नफरत का काम पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर रहा है, सबसे ज्यादा धर्म में बांट दे रहा है। तो ये देखने को मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दोहराव होनी चाहिए। आप जबरदस्ती किसी से कुछ भी करवाइए, इस तरह की मुझे नहीं लगता है कि। और देखिए एक और कहानी है, कहते हैं कि भगवान राम के बारे में, कहीं मैं पढ़ रहा था, कोई मुझे सुना रहा था कि जब कोई व्यक्ति कहीं किसी स्थिति में बैठा होगा और वो राम को बज रहा था, कहते हैं कि लक्ष्मण ने उन्हें एक पीठ में पैर से मतलब चोट पहुंचा दी उस व्यक्ति को। तो कहते हैं शाम को जब रात में राम मतलब दुखी हो रहे थे, तो उन्होंने पूछा तो बोले कि वो किसी ने मतलब पीठ में वो दर्द है, तुमने किसी को इस तरह का कोई दुख पहुंचाया हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि मतलब आप अगर मानते हो तो मुझे लगता है कि सही करिए उस दिशा में, नफरत का काम नहीं, कोई मायने नहीं रखता मुझे लगता है। यानी कि आप समझिए कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं अगर राम के नाम पर, तो मुझे लगता है कि आप अगर वो सही में हैं, कुछ सजा देते हैं, तो आपकी सजा क्लियर है। आज तो आप देखिए, मुझे लगता है कि अगर देश में इतना भगवान को नहीं पूछते हम लोग, इतना हमारी भावनाएं ना जुड़ी होती, तो कई नेता पैदा ही ना होते, क्योंकि उनका काम ही है धर्म के नाम पर वोट लेना, धर्म पर के नाम पर लड़ाइयाँ झगड़ा करवाना। कितने दंगे हुए आप देखते हैं कि 1947 के बाद, देखिए आप लोग समय समय पर नेताओं ने दंगे करवा के अपना काम निकालते रहे। तो हमें जागरूक रहना होगा और इसमें शिक्षा काफ़ी बड़ा योगदान देती है। अगर हम लोग इनके डेथ की बात करें तो 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लंबी बीमारी के बाद अपनी इनकी डेथ हो जाती है। वह अपने समय के एक महान दार्शनिक भी थे और देश के लिए अपूर्ण क्षति भी हुई। 15 अप्रैल 1975 यानी कि इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं कि 1975 में ही आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो इन्हें कुछ सम्मान भी दिए गए। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान के देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च जो पुरस्कार है, अलंकरण है, भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। 1962 में आप देखेंगे कि इन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। पहली बार आप कह सकते हैं कि 1962 में ही 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। 1962 में ही आप देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन ने ब्रिटिश अकेडमी का सदस्य बनाया गया था डॉक्टर साहब को। राधाकृष्णन के मरने के बाद उन्हें 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पलटन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो हिंदू थे एक तरह से धर्म से। तो ये कहानी है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। और एक बात और बता दूं, आज के नेताओं की तुलना उस समय के नेताओं से किसी भी का
हद में बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि उस समय के अगर नेताओं को आप थोड़ा भी सम्मान देते हैं और इस समय के नेताओं की से उस समय के नेताओं की तुलना कर देते हैं, तो उनकी आत्मा अगर होगी तो बड़ी तड़पती होगी। क्योंकि आज देखिए कि नेताओं के मतलब खून रग रग में एक तरह से भ्रष्टाचार इस तरह की छवि बन चुकी है, दंगों की हो या धर्म को लेकर हो, किसी भी तरह की बांटने को लेकर हो, वो समय समय पर अपना काम निकालते रहते हैं। इसमें कोई दोहराय भी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल यही कहानी हो, शिक्षा के लिए मुझे लगता है कि दो वक्त की रोटी छोड़ दीजिए, कम खाइए, मैं तो कहता हूँ कम, सब कुछ अपने तन धड़कने के लिए एक तरह से कपड़े होने चाहिए, महंगे मत पहनिए, लेकिन बच्चों को ठीक ठाक शिक्षा उपलब्ध करवाती रहिए। कम से कम उनका पास जो दिमाग है, दो आंखें दी गई हैं, दो कान दी गई हैं, इसका उपयोग तो करें। सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में सही तो मालूम चले। आज आप देखते हैं कि एक व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर एक मैसेज आता है, उसे सही है या नहीं है, गलत है, क्या है, धर्म में क्या, किस तरह से ये जहर घोलेगा, आप जाके उसे फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, क्योंकि आपको व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आप देखते हैं कि आज के युवाओं को पंडित नेहरू या जवाहरलाल नेहरू आप देखें, या महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, सरदार पटेल या भीमराव अम्बेडकर की, कह देते हैं इनका योगदान कुछ भी नहीं है, उन्हें गलत ठहरा देते हैं, उन्हें बुरा कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये देखते रहिएगा। चलिए, हम लोग तो मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए और शिक्षा का महत्व बताते रहिए, आसपास भी बताते रहिएगा।